आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जनरल से इंट्रोडक्शन वाली बातें, तो इंट्रो करते हैं इसका। इन प्रीवियस क्लासेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है नेचुरल नंबर्स, है ना। कुछ एक टर्म्स थी अपने पास, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स क्या थे? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे अपने? केवल और केवल काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते थे? काउंटिंग नंबर्स। विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 और अप टू इनफाइनाइट। यानी जो स्टार्ट कहां से होता था? 1 से होता था और लास्ट जाता था अपना इनफाइनाइट पर। इट मीन्स अगर यहां से आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो बनता है 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट, कोई भी नंबर हो सकता है अपना, है ना। तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड ऑनवर्ड और अप टू लास्ट इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर को डिनोट करते थे हम लोग एन से, देन एन इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो 1, 2, 3, 4 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हमने नेचुरल नंबर को, तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर में कौन आता है? 1। लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर कौन होता है अपना? इनफाइनाइट। ठीक है, और नेचुरल नंबर को किसे डिनोट करते हैं? एन से। तो एन क्या हुआ? ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ग्रुप ऑफ काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट मिलता है अपने पास में होल नंबर। जीरो एंड काउंटिंग नंबर्स, टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। यानी अगर काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए, काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो क्या बन जाते हैं अपने? होल नंबर। इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। यानी होल नंबर क्या हो गया? ग्रुप ऑफ जीरो एंड काउंटिंग नंबर, जीरो एंड काउंटिंग नंबर। ठीक है, उसको हम डिनोट कर देते हैं W से। अगर मैं स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 और लार्जेस्ट होल नंबर इज इनफाइनाइट। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, है ना। क्यों नहीं होते? ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स हो सकते हैं, बट होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर बने कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते थे, है ना, और ये कहां से स्टार्ट होता है अपना? 0 से। ये कहां से स्टार्ट होता है अपना? 0 से। तो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस मिल गया 0 का। अगर 0 नहीं होता तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते थे, बट यहां तो हमने क्या देखा? एक 0 और ऐड हो गया। तो जितने के जितने नेचुरल नंबर थे सारे के सारे होल नंबर जा सकते हैं, बट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर बाकी के होल नंबर तो नेचुरल नंबर बन सकते हैं। अगर सब नेचुरल नंबर की बात की जाए तो 0 जो है वो होल नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता। इट मीन्स नेचुरल नंबर तो होल नंबर में जा सकता है, होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इंटीजर्स।
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी अपने टॉपिक पर पहुंच पाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास इंटीजर्स। नंबर्स जो होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर लाइक -4, -3, -2, -1, और इधर चले तो इनफाइनाइट। इट मींस नेगेटिव नंबर कौन हुए जो कि क्या थे, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी जितने भी जीरो से छोटे नंबर थे, स्मॉलेस्ट नंबर थे, सबके सब नंबर्स क्या कहलाते हैं, अपने नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। वेयर एज पॉजिटिव नंबर अगर बात करें तो मोर देन जीरो, मोर देन जीरो, मोर देन जीरो इट मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी लेस देन जीरो नंबर अगर हमारे पास है, नंबर लेस देन जीरो है, इट मीन्स वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, अपने नेगेटिव नंबर्स, और मोर देन जीरो अगर है हमारे पास तो पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन में मिला दिया जाए यानी कंबाइंड कर दिया जाए तो हमने एक बात की, देखो याद गौर किया हो तो आपने, मैंने फर्स्ट केस जब नेगेटिव की बात की थी तो लेस देन लिखा था, पॉजिटिव की बात की तो मोर देन लिखा था। किसको मोर देन लेस देन किया था, जीरो को। क्या मैंने जीरो को काउंट किया है, क्या नहीं किया। इट मींस जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कौन, जीरो। जीरो कभी भी ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, यानी जीरो का कोई साइंस नहीं होता, कोई भी साइन नहीं होता, जीरो का कोई भी साइन नहीं होता। अब देखो मैंने अभी तक आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की बात की है, अपने मेन टॉपिक पे तो पहुंचे ही नहीं, जिसको नाम दिया था हमने इंटीजर। यानी इंटीजर्स क्या हुए, नेगेटिव नंबर प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, यानी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर जब तीनों मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, इंटीजर। मैं इसको एक लैंग्वेज और बदल सकता हूं कि नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या कहा मैंने, नेगेटिव नंबर और होल नंबर, होल नंबर की बात की थी ना हमने, तो होल नंबर में क्या लिखा था हमने, 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये सारे के सारे कैसे नंबर्स थे, अपने पॉजिटिव नंबर थे, उसमें जीरो ऐड हो रखा था ऑलरेडी, है ना। उसमें मैंने अगर नेगेटिव नंबर और ऐड कर दूं इधर लेफ्ट साइड में तो -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट माइनस में, ये सारे नंबर जब मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, अपने इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स वो नंबर्स है जिनके पास नेगेटिव वैल्यू भी होगी, पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और जीरो भी होगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू एंड होल नंबर कह दें, नेगेटिव वैल्यू और साथ में जीरो और पॉजिटिव वैल्यू कह दें, बात एक ही है। सब नंबर्स जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अपने इंटीजर्स बनेंगे। यानी इंटीजर्स जो होता है उसको क्या कह सकते हैं, अ सेट ऑफ या अ ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर, है ना, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इसको क्या लिखेंगे फिर हम लोग, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। मैथ्स की लैंग्वेज में अगर 3 डॉट लगा दिए जाए तो इसका मतलब डॉट 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 आगे चलते जाएंगे अपने, ठीक है। अगर 0 से मैं राइट साइड जाऊंगा, मूव टुवर्ड्स राइट, इट मींस वैल्यू होगी मेरी पॉजिटिव। 0 से अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो टुवर्ड लेफ्ट, देन वैल्यू होगी
नेगेटिव। जीरो से जैसे ही पहले जाएंगे वैल्यू मेरी लेस होती जाएगी और इधर जाते ही मेरी वैल्यू मोर होती जाएगी, यानी राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी और लेफ्ट साइड में वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस 22, है ना। इधर तो हमने क्या किया था, 22 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से जितना राइट साइड में दूर जाएंगे उतनी ही वैल्यू अपनी पॉजिटिव बढ़ती रहेगी और जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे वैल्यू उतनी ही सब्ट्रैक्ट होती जाएगी, यानी वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शंस। यानी किसी भी इंटीजर वैल्यू को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेशन में लिख दिया जाए, है ना। कैसे लिख दिया जाए उसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेशन में, तो वो उसका क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो एक इंटीजर वैल्यू होती है। फ्रैक्शंस रियलिटी में क्या होती है, इंटीजर्स वैल्यू होती है, और वो आपस में इनको ये कहा जाए तो वो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। वो कैसे हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। हो क्या सकते हैं, होते ही नेचुरल नंबर ही है रियलिटी में देखा जाए, क्योंकि हम लोग लिखते हैं देखो 3/7, 5/9, है ना। उसमें 3/7 में 3 क्या था अपना न्यूमरेटर और 7 डिनोमिनेटर, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ रखा है पहले हमने, है ना, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं। इसी का थोड़ा सुधरा हुआ रूप कह दें या अपडेटेड रूप कह दें, वो होता है अपना रेशनल नंबर। वो क्या होता है, अपना रेशनल नंबर। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अगर यूं कह दूं कि मैंने इसको पी लिखा और इसको मैंने क्यू लिखा, यानी फ्रैक्शंस जो होते हैं उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं अपने पास में, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसी का अपडेटेड रूप लेते हैं रेशनल नंबर्स, थोड़ा बहुत ऐड करेंगे कुछ इसी फ्रैक्शंस में, इसी फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर देंगे। चले करें ऐड, तो लिखा मान लिया मैंने रेशनल नंबर। मैंने क्या कहा था कि रेशनल नंबर को हम अपडेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग। फ्रैक्शन को मैंने क्या कहा था अभी कि हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते थे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और पी और क्यू क्या थे अपने पास में, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो यहां लिखा रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू लिख दिया, इट मीन्स 100% फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया हमें, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि फ्रैक्शन के लिए हम लोग पी अपॉन क्यू लिखते हैं। ठीक है, और पी अपॉन क्यू क्या थे वहां पर, नेचुरल नंबर से। यहां से थोड़ा ट्विस्ट आता है अपनी बात में, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां लिखा मैंने पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर मतलब फ्रैक्शन हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। देखो एक एक चीज को क्लियर करेंगे कि हमने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या होता है।
ये मैंने ओवरऑल लिखी डेफिनेशन रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कि हम लोग रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। कहां लिख दिया हमने इसको? फ्रैक्शन फॉर्मेशन में लिख दिया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्मेशन में लिख दिया। बट जब फ्रैक्शन की बात कही तो मैंने क्या कहा था कि पी और क्यू जो होते हैं अपने क्या थे? नेचुरल नंबर। मैंने एक नया वर्ड जोड़ दिया यहां, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब इंटीजर वैल्यू तो देखो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव वैल्यू भी होती है और जीरो भी होता है ना। यानी इसके अकॉर्डिंग मैं यूं देखूं तो जीरो माइनस थ्री अपॉन सेवन भी हो सकता है, फोर अपॉन माइनस का नाइन भी हो सकता है, माइनस फाइव अपॉन माइनस का सिक्स भी हो सकता है ना, और इलेवन अपॉन थर्टीन भी हो सकता है। यानी मैंने सब टाइप्स ले लिया। इंटीजर्स का मतलब क्या था? वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, वैल्यू जीरो हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट केस मैंने जीरो का लिया। सेकंड में न्यूमरेटर को माइनस में, डिनोमिनेटर को प्लस में बनाया, फिर प्लस माइनस लेके गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव वैल्यूज और बोथ पॉजिटिव वैल्यूज। अब आप कहोगे सर जीरो रेशनल नंबर कैसे बन गया, है ना? जीरो के रेशनल अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। आपने तो कहा था कि रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये भी कहा था साथ में, एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, किसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यहां तो आपने जीरो लिख दिया, मैंने जीरो लिखा है, इसका डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, नहीं है इट मीन्स हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? वन। ये सीखा है ना फ्रैक्शन में कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हमेशा वन चिपका दो, है ना? तो वन ही होता है रियलिटी में, ठीक है ना? तो जीरो अपॉन वन रेशनल नंबर बन गया, माइनस थ्री अपॉन सेवन रेशनल नंबर, फोर अपॉन माइनस नाइन, माइनस माइनस दोनों के हैं, माइनस फाइव माइनस सिक्स और दोनों पॉजिटिव वैल्यू, इलेवन और थर्टीन। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इंटीजर का मतलब जिसमें वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। तो जीरो का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैंने यहां लिखा क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो इसका किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो देखो मैंने किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं लिखा। अगर मैं यूं लिख देता हूं सेवन अपॉन जीरो, इट मीन्स उसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। कई लोग ऐसा साइन बनाते हैं, अदरवाइज लिख देते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है? तो इस पार्ट को हम लोग काउंट भी नहीं करेंगे, आपकी हायर क्लासेज में आएगा, ठीक है? P by Q की फॉर्म में लिखा, P क्या थे? इंटीजर थे, Q जीरो के इक्वल नहीं था। यहां लिखा P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मींस क्या होता है? देखो को लिया गया है कंपोजिट से। को कहां से लिया है? कंपोजिट से। और प्राइम तो प्राइम नंबर्स होता ही है। अब तक की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़े थे कि प्राइम नंबर्स वो होते थे जो केवल वन की टेबल में आते थे या खुद की टेबल में आते। जैसे मान लिया टू था अपने पास, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन ट्वेंटी थ्री नाइनटीन, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या थे? प्राइम नंबर्स हुआ करते थे, ठीक है ना? को कहां से आया? कंपोजिट से। कंपोजिट नंबर कौन थे? जो खुद की टेबल में भी आते हैं और दूसरों की टेबल में भी। जैसे मान लिया फोर को एग्जाम्पल लेते हैं, तो फोर वन में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है और फोर की टेबल में भी आता है। यानी फोर के फैक्टर्स क्या बने? वन टू एंड फोर। सेम एज अगर मैं नाइन की बात करूं तो वन थ्री और नाइन, यानी वन और यानी इटसेल्फ और वन के अलावा भी कोई फैक्टर बन रहा है, इट मीन्स वो कंपोजिट में गया। यानी जो खुद का यानी इटसेल्फ हो या फिर वन हो वो कहलाता था अपना प्राइम नंबर, बट यहाँ नाम दिया मैंने को प्राइम। कैसे? देखो मान ली, लिखा मैंने यहाँ एट अपॉन नाइन, यहां लिखे मैंने एट के फैक्टर्स वन टू फोर और एट, यहां लिखे नाइन के फैक्टर मैंने वन थ्री और नाइन। यहां क्या लिखा? को प्राइम। ऐसे नंबर्स
फ्रैक्शंस हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिसके पास वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, यानी वन के अलावा और किसी से आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, यानी इसकी लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ये लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। मैं अगर यूं लिखता हूं -6/-8, तो ये मेरा फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको आगे फर्दर डिवाइड कर सकता हूं 2 की टेबल से 3 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, तो आंसर बनेगा मेरा 3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां से। तो 3/4 को आगे मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, उनके पास केवल कॉमन फैक्टर मेरा कितना होगा, 1। तो फ्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी अपने, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बता दिए, Q को जीरो नहीं बनाना था तो हमने नहीं बनाया जीरो उसको। P और Q क्या थे, को प्राइम नंबर से, को प्राइम मीन्स क्या था, जिनके पास वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका हमने एग्जांपल ले लिया। अगर मिल जाता है हमें ऐसा कोई नंबर जिसको और आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं हम लोग, तो सिंपलेस्ट में ले जा सकते तो उसको 100% पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा आपके। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक तो इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट डे की क्लास में। ठीक है।